हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि मीठे शक्करवारे बन के रेडी होंगे। ये गुड़ के शक्करवारे बन के रेडी होंगे। ये आधा किलो का बड़ा बाउल्स लिया है मैंने, दो बड़े बाउल्स लिए आधा आधा किलो का। तो ये एक किलो आटा लिया है गेहूँ का। अब इसमें आधी कटोरी मोन डालेंगे तेल का, आप घी का भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर तेल का मोन डाल रही हूँ आधी कटोरी। ये आधी कटोरी में तेल का मोन डालूँगी इसमें, ये आप घी का भी मोन डाल सकते हो। और गुड़ लिया है मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ लिया है, 500 ग्राम भी ले सकते हो पर मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ लिया है। ये पानी लिया है, पानी एक गिलास लिया है, इसमें 400 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। ये 400 ग्राम गुड़ लिया है मैंने, ये उस स्टील की भगोने में डालेंगे। फ्रेंड्स, ये गुड़ अच्छे से उबल गया है, अब इसको अच्छे से छानेंगे। थोड़ा सा और बाकी है ये कहीं कहीं, ये अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें। अब इसको छानेंगे छन्नी से, और 4 से 5 इलायची लिए मैंने, अच्छे से बारीक उनको कूट के साफ कर लिया है इलायची को। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार आटा ले सकते हो, गुड़ भी अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हो। ऐसा उबाल आ गया है इसमें, इसका सारी इसकी गंदगी गुड़ की छन्नी से छानने के बाद अलग हो जाएगी। ये आटे में जो मोन मिलाया है उसे ऐसा मोन मिलना छोड़ें तो ऐसे बन जाए, तो इससे शक्कर पारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें 4 से 5 इलायची ली थी, वो इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ इलायची। इलायची को अच्छे से बारीक कूट लिया था मैंने, और मैंने 5 से 6 इलायची डाली है इसमें, और गुड़ का पानी अब छन्नी से छानेंगे। ये छन्नी लगा दी है मैंने, इससे मैं गुड़ का पानी छानूंगी। ये गुड़ को छन्नी से छाना है, इतनी मिट्टी निकली है, सारी अलग हो गई है। आप इसको आटा लगाएंगे, इसका अच्छा से डो बना के रेडी करेंगे। ये गुड़ को अच्छे से छान लिया है, अब इसका अच्छे से डो बनाएंगे। इसमें 4 से 5 इलायची डाली है, ये पानी भी अच्छा ठंडा हो गया है। ये अच्छा सा गुड़ का आटे का डो बना के रेडी कर लिया है, अच्छा सा गोल डो बना के रेडी किया है। जैसे चपाती बनाते हैं वैसे इसको बनाना है। मैं एक थाली पे बना रही हूँ स्टील की, इस पर ऑयल लगाऊंगी, और गोल डो बना के रेडी हो गया है। ये चपाती का बड़ा लिया है मैंने इसको, और चपाती का शेप देना है गोल गोल। ये थाली पे अच्छे से ऑयल लगा के रेडी किया है मैंने, इतना बड़ा शेप दिया है इसका। और अब मैं इसको अलग अलग शेप में काटना बताऊंगी। ये मेरे पास स्पून है, मैं स्पून का शेप काटूंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लाइन से काटूंगी। ये अच्छा सा शेप बन के रेडी हो रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं इसका काजू वाला शेप काट रही हूँ, आप ढक्कन की मदद से भी काट सकते हो। थोड़ा सा इसको आप देख सकते हो मैंने इसी शेप से काटा है, ये अलग अलग शेप काट दिए। अब ये कटोरी ली है मैंने, ये भगवान की चंदन की कटोरी ली है मैंने, इसका भी मैं अच्छे से शेप काटूंगी। इसे छेद करेंगे जिससे कि वो अच्छे से हो जाए, फूले नहीं ज़्यादा, वो एयर बबल्स इसके निकल जाएंगे इससे। ये सबसे फर्स्ट में करना चाहिए, मैं इसको भूल गई थी और अभी याद आया मुझे। ये मैंने इसमें अच्छे से ये छेद कर दिए हैं जिससे कि ये फूलेंगे नहीं ज़्यादा। अब ये कटोरी वाला शेप काट रही हूँ, इसको अच्छे से प्रेशर करना है ऐसे हाथ से, कटोरी निकल के रेडी हो जाएगी इसकी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आप कोई भी कटोरी का शेप ले सकते हो, ये प्लास्टिक का ढक्कन भी ले सकते हो, प्लास्टिक के ढक्कन से करा मैंने ये एक और करके बता रही हूँ मैं आपको।
ये भी प्लास्टिक के ढक्कन से किया है। ये मैं शक्करपारे का शेप काट रही हूँ, जिसकी मैंने आउटलाइन अलग कर दी है, जिससे कि तलेंगे तो फिर ये इसका शेप अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए इसको साइड कर देंगे। इधर से भी साइड कर देंगे इसको और इधर से भी साइड कर देंगे इसको। ये शक्करपारे का शेप काट रहे हैं, ये नाइफ से काट रहे हैं, मेरे पास इसकी चम्मच भी है, आप उससे भी कटिंग कर सकते हो, जैसे कि चम्मच है और इससे भी आप इसका शेप काट सकते हो। ये वाला शेप आएगा इसका, ये ऐसे शेप आएगा इसका। ये शक्करपारे बन के रेडी हो रहे हैं, ये मीठे शक्करपारे बन के रेडी होएंगे। इससे पूरी आउटलाइन कर सकते हो आप, इसकी चारों तरफ शक्करपारे का शेप दे सकते हो इसको। अच्छे से दूसरी थाली में ले लेंगे, जैसा कि दूसरी थाली भी बन के रेडी हो रही है। फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो गए हैं, जिससे कि मैंने 1 किलो का बनाया है। ये ऑयल में बना रही हूँ मैं, अच्छे से बन के रेडी हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन कलर को करके रेडी रखना है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है इसका। दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाने चाहिए, ये तल रहे हैं, ये बहुत अच्छे तल रहे हैं, ये खुशबू आ रही है इसकी बहुत अच्छी। ये मैंने और भी बना रखे, ये भी बन के रेडी हो गए। ये अच्छे से बेल के इनको जल्दी से तैयार किए, अब बस इसमें ऑयल में करना है, ऑयल में बन के ये रेडी होने वाले हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के बन रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन रहे हैं और एकदम सॉफ्ट वाले बन रहे हैं। जैसा कि मैं इसको ले रही हूँ अपने हाथों में और इसमें अच्छे से ऑयल में डाल रही हूँ, ये अंदर जाने के बाद अच्छे से खुल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ये। छोटा बच्चा भी डाल रहा है एक, उसमें भी एक डाला है बच्चे ने भी, बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है मम्मी की मदद करवाने में। फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो गए हैं, ये मीठे शक्करपारे रेडी हो गए हैं, ये बहुत ही टेस्टी बना है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।